लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। दोस्त की बहन को भगाकर ले गया, 2 महीने बाद हत्या कर शव को कुएं में फेंक पानी पर। कलंदर चौक से 2 माह से अपहृत जिस युवती को तलाशने के लिए पुलिस ने प्रयास नहीं किए, आरोपी रॉकी शर्मा ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। रॉकी 2 माह तक युवती के साथ रहा, लेकिन पानीपत नहीं आने की जिद में रॉकी ने 13 जुलाई को सोनीपत के नाहरी गांव के पास उसकी हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया। इसके बाद वह पानीपत आया और शाम को दोस्त राजन तनेरा को गोली मारी, जिसमें राजन घायल हो गया। इसके बाद उसने 5 दोस्तों को जान से मारने की धमकी दी। इनके लिए भी आरोपी ने साजिश बना रखी थी, लेकिन राजन के गोली लगने के बाद पुलिस ने सभी दोस्तों को सुरक्षा दे दी थी। रविवार को पुलिस परिजनों को लेकर सोनीपत पहुंची, जहां पर शव परिजनों के हवाले कर दिया। डीएसपी हेडा क्वार्टर जगदीप सिंह दुहन ने बताया कि राजीव कॉलोनी में रहने वाले आरोपी रॉकी शर्मा ने पूछताछ में बताया कि 13 मई को रॉकी अपने दोस्त अर्शद की बहन को भगाकर ले गया था। वह नरेला में कमरा लेकर रह रहा था। रॉकी पानीपत आना चाहता था, लेकिन युवती मना कर रही थी। 13 जुलाई को घुमाने के बहाने वह बाइक पर उसे लेकर आया। सोनीपत के नाहरी गांव के पास दोनों रमेश के खेत में बने कुएं पर पहुंचे। यहां भी युवती ने पानीपत जाने से मना कर दिया। इससे गुस्साए रॉकी ने उसके सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। शव को कुएं में फेंक कर वे पानीपत आया। डीएसपी का कहना है कि रॉकी के इस बयान पर अभी पुलिस को भरोसा नहीं है। शव यूपी ले गए परिजन अर्शद के पिता मूलत मुजफ्फरनगर के खतौली गांव के रहने वाले हैं। वे परिवार सहित कई सालों से पानीपत में रह रहे हैं। करीब 20 साल तक वे पानीपत में किराए पर रहे हैं। करीब 1.25 साल से वे कलंदर चौक पर रह रहे थे। यहीं पर रॉकी की कॉस्मेटिक की दुकान थी। रॉकी और अर्शद दोस्त थे। परिजन शव को खतौली ले गए। किला थाना पुलिस ने मामले में हत्या की धारा जोड़ी है। गिरफ्तार आरोपी राय की एक अस्पताल में उपचाराधीन है। मेडिकल अनफिट होने के कारण आरोपी को रविवार को न्यायालय में पेश नहीं किया जा सका। सिर में लगी थी गोली। युवती की हत्या के बाद लोग खेत पर पहुंचे तो उन्हें शव दिखाई दिया। पुलिस को सूचना देकर बुलाया गया। कुंडली थाना पुलिस ने शव को बाहर निकाला। सिर में गोली लगे होने पर हत्या का केस दर्ज किया। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद शव को सोनीपत के सिविल अस्पताल में रखा था। पूछताछ में खुलासे के बाद कुंडली थाना से मृतक लड़की की फोटो मंगवाई गई। पुलिस फोटो लेकर भाई अर्शद के पास पहुंची। उसने बहन के रूप में मृतक लड़की की पहचान की।